लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम यूजर से इनपुट लेकर के अपने प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रन कर सकें। सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो क्या होते हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर कोई भी चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर मेथड को अगर सेटिस्फाई कर रही है तभी आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, वरना आपको ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट इसके अंदर अपने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि इफ, इफ एल्स, इसके बाद इफ एल्स इफ, ओके। और यहाँ पे हम इफ एल्स इफ एक लेडर भी यूज करते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे कि इफ एल्स इफ के अंदर ही हम लेडर को भी इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद एक और होता है अपना स्विच, स्विच है। इसके बाद हम ब्रेक का भी यूज करते हैं, स्विच के अंदर हम ब्रेक का यूज करते हैं एक्चुअली, ओके। कुछ ये जो है अपने स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम जो है अपने प्रोग्राम को आज रन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने बेसिक टेम्पलेट को डिफाइन करेंगे, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे इंट मेन। इसके बाद हम यहां पे एक इंटीजर वैल्यू को जो है वो लेंगे और उस वैल्यू को यूज करेंगे, और उससे हम ये फाइंड करेंगे कि जो यूजर ने नंबर को इनपुट किया है क्या वो 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे सी आउट, और फिर यूजर से हम एक नंबर कहेंगे कि वो एक नंबर को इंटर करेगा, तो इंटर दी नंबर, ओके। इसके बाद हम सी इन करेंगे अपने उस नंबर को, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम एन वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें एन वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे इंट एन। ये हमने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया कि जो अपना वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप है, ओके। यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे इफ, इफ इसके बाद हम इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे कि अपनी कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। अपनी कंडीशन क्या होनी चाहिए इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अपनी कंडीशन क्या है, इफ एन इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये जो ऑपरेटर है, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर देता है आंसर में, जब हमें इस सारी प्रोसीजर कंप्लीट होती है, तो इससे हमें रिमाइंडर मिलता है। अगर वो रिमाइंडर किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो है वो इवन नंबर है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा सी आउट, ये जो अपना नंबर है एन इज इवन नंबर, एन इज इवन नंबर, ओके। यहाँ पे एन अपना क्या हो जाएगा, एन यहाँ पे अपना होगा इवन नंबर, ओके। और रिटर्न हम कराएंगे, यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न 0। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपने कोड को रन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड रुकेगा, कोड को अगर हम रन करें तो हमें सबसे पहले एक इनपुट देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इनपुट दिया 54, So, जो ये 54 है ये एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस n को हटा करके हम ऐड कर सकते हैं n को, ओके। अब अगर हम कोड को रन करें तो हमें प्रॉपरली ये पता चलेगा कि जो अपना 54 है, अगेन तो 54 एक इवन नंबर है। इसी तरह से हम दूसरा नंबर अगर चेक करना चाहें, सेकंड नंबर को,
अब हम यहाँ पे कोई ऑड नंबर डालते हैं, ऑड नंबर जैसे मैं अगर डालू 99, तो अगर हम 99 को डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि वो कुछ नहीं प्रिंट किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमने कंडीशन ये लगाया कि अगर एन इवन नंबर होगा तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, वरना ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसीलिए जब हमने इसे ऑड नंबर डाला तो वहां पे लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, इवन की। इस तरह से हम जो है इसे समझ सकते हैं। और अगर हम अब बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की, या इफ एल्स क्या होते हैं, तो इफ के साथ अगर हम यहाँ पे लिख दें एल्स, एल्स क्या है, एल्स यहाँ पे है अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो वो क्या होगा, कोई नंबर अगर इवन नहीं है तो वो वहां पे होगा, वो वहां पे ऑड होगा। एल्स के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि सी आउट आपको क्या कराना होगा, सी आउट आपको कराना होगा कि जो आपका एन है वो एक ऑड नंबर है, ये है इज ऑड नंबर। ओके, अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं क्या आता है, चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे 99 वापस से लिखूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना जो आंसर है वो आ रहा है कि 99 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। आइए इसे समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि इसने पहले हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन की, उसके बाद हमने सी आउट कराया, डिस्प्ले कराया अपने आउटपुट कंसोल पे कि यूजर के लिए कि आप एक इंटर नंबर को इंटर कीजिए। तो हमने यहाँ पे नंबर को जो है वो इनपुट लिया, उस नंबर पे हमने ऑपरेशन लगाया कि भाई इफ आप कंडीशन चेक करो क्या वो इवन है, अगर वो इवन है तो आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करो, वरना आप इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि यहाँ पे है एल्स पार्ट और ये है इफ पार्ट। इफ अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ऑलवेज यही चीज एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये यूज कर सकते हैं, हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इसे भी यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ से कमेंट कर दूंगा, एक सेकेंड, मैं इसे अगर कमेंट करूँ, अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ, इफ के बाद यहाँ पे हम अपना कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है कि जो अपना एन है, एन अगर छोटा है 10 से, तब हमें ये प्रिंट कराना है सी आउट एंड एन इज लेस देन 10, ओके। इसके बाद हम एल्स इफ का यूज करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, तो यहां पे हम लिखेंगे एल्स इफ एन जो है वो अगर इक्वल है, एन अगर इक्वल है 10 के, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे या फिर लिखेंगे हम भाई हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें आउटपुट में चाहिए जो एन है वो इक्वल है 10 के, एन इज इक्वल टू 10। इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे इफ एल्स के लेडर बना सकते हो। इफ एल्स का लेडर मतलब है कि वो पहले इफ कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगा तो इसे इवेलुएट कर देगा, ओके। इसके बाद ये इस कंडीशन को चेक करे, अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स है, ये पूरी स्टेटमेंट या फिर ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स हुई तो नेक्स्ट, इसी तरह से जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी या फिर जब तक वो डिफॉल्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचेगा, ये कंडीशन को जो है चेक करता जाएगा वन बाई वन करके। एक इफ एल्स का यूज हम और करते हैं यहाँ पे, एल्स इफ यहाँ पे अगर नंबर जो है वो बड़ा है 10 से, तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें आउटपुट में ये कहना है कि जो अपना नंबर है वो क्या है इज ग्रेटर देन 10, ओके। या फिर अब हम एक डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे कि else
एल्स हमें क्या प्रिंट कराना चाहिए, एल्स हम करेंगे कि सी आउट आप एल्स के अंदर कंडीशन डाल सकते हो। वैसे ये एल्स कंडीशन जो है वो ऑप्शनल होती है, यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं, ऑप्शनल है, इसका भी आप लास्ट में यूज अगर नहीं भी करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एल्स स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे जो है वो देख लिया है कि लास्ट में आप जो है बाय डिफॉल्ट इसे लगा सकते हो, बट ये ऑप्शनल होती है। ठीक है, चलिए कोड को रन करते हैं। तो अगर हम कोड को रन करें और हम यहां से अपने आउटपुट कंसोल में आपको क्या देखें, इंटर द नंबर, हमें एक नंबर डालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम डालेंगे 3, देखते हैं क्या आउटपुट होता है। तो ये बता रहा है कि 3 जो है वो 10 से छोटा है, जो कि सही है। अब इसे समझते हैं। तो यहां पे हमने जब इंटर किया 3 को, तो उसने चेक किया कि जो n है, कंडीशन ने ये चेक किया कि n अगर 10 से छोटी है तो आपको यही लाइन प्रिंट करनी है। इस लाइन को प्रिंट करने के बाद आपको यहां से लूप से बाहर आ जाना है, सॉरी फॉर दैट, इस कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर आ जाना है, ना कि लूप से। ओके, चलिए एक बार फिर से रन करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, हम 10 से एक बड़ी वैल्यू डालेंगे, हम डालते थे 60। अगर हम यहाँ पे 60 डाल दें तो अपना स्टेटमेंट जो है वो रन नहीं हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, ऐसा इसलिए हुआ हमने यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाया, हमें ग्रेटर देन का सिंबल लगाना होगा। ओके चले, सो इंटर द नंबर 60, यहां पे आप देख सकते हो कि 60 जो है वो बड़ा है 10 से। इसी तरह से हम अपने थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं, अपना जो नंबर है अगर वो 10 के इक्वल है तो 10 के इक्वल है तो भाई 10 इज इक्वल टू 10, जो कि अपना सेकंड स्टेटमेंट था वो भी यहां पे एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, सो चलिए इसी में हम स्विच स्टेटमेंट का भी यूज कर लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट भी किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सो आप इस पूरे लाइन को एक साथ कमेंट कर सकते हो, आपको एक शॉर्टकट यूज करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो आपके सारे लाइंस जो हैं वो कमेंट हो जाएंगे, जो भी लाइंस आपने सेलेक्ट की है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें स्विच स्टेटमेंट की, स्विच स्टेटमेंट्स, स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम एक आर्ग्यूमेंट देंगे, अगर वो आर्ग्यूमेंट केस के तौर पे अगर ट्रू होगी तभी वो चीज जो है वो वहां पे इवेल्युएट होगी। तो चलिए सिंटेक्स देख लेते हैं। तो यहां पे आप लिखोगे स्विच, जैसे ही आप स्विच लिखोगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा स्विच का, स्विच के अंदर आप एक्सप्रेशन, या फिर हम लिखते हैं स्विच को, स्विच इसके बाद हमें कुछ देना है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हमारे पास इनपुट है n, तो हम इनपुट n लेंगे। इनपुट n लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे केसेस को पढ़ेंगे कि अपने केस क्या है। ठीक है, मान लीजिए अपना जो केस है, हम लेते हैं पहले केस 1, अपना जो केस 1 है, केस 1 अगर होता है तो क्या होना चाहिए, केस अगर 1 होता है तो वही चीज हम यहाँ पे इस चीज को कॉपी करके जो है वो प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस पूरी लाइन को, अगर अपना केस 1 है तो अपने पास सी आउट के अंदर आनी चाहिए ये वैल्यू कि अपना जो एन है वो छोटा है 10 से। ओके, इसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर अपना केस 2 है, केस 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे केस 2 के अंदर, इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो नंबर 11 है, अगर आपने यहां पे 11 नंबर को प्रिंट किया तो वो क्या है, वो यहां से ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ग्रेटर देन 10। इसी तरह से आप जो है केस, नेक्स्ट केस भी फाइंड कर सकते हो। आप अगर नेक्स्ट केस डाल रहे हो, वो चीज अगर मान लीजिए 18 के इक्वल है, अपने जो n नंबर डाला है अगर वो 18 के इक्वल है तो आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखाना पड़ेगा कि n इज
लेस देन या फिर एन इज ग्रेटर देन, यहां से हटाते हैं, ग्रेटर देन 15, ओके। इसके बाद हम यहां पे एक डिफॉल्ट वैल्यू भी देंगे, तो अपनी यहां पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होगी सी आउट हेलो वर्ल्ड, ओके। इस तरह से हम जो है स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, इसे रन करके देखेंगे। इसके पहले मैं आपको समझा दूं, अगर हमारा n, n की वैल्यू अगर 1 है तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस केस को। n की वैल्यू अगर 11 है तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, n की वैल्यू अगर 18 है तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर n की वैल्यू इन बाकी तीनों को छोड़ करके कुछ भी आप रखोगे तो वो इस चीज को प्रिंट करेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट है। लेट्स चेक, अगर हम अपने कोड को यहां पे रन करें, सो यहां पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी है इंडेंटेशन की, आई थिंक सी आउट। एंड अब हम अगर कोड को रन करेंगे, यस, तो अगर हम यहां पे 1 डालेंगे तो आप क्या, आप यहां पे देख सकते हो ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट करती। यहाँ पे हमने एक गलती ये कर दी, उसने इस केस को पढ़ा, इस केस को पढ़ने के बाद वो इस केस के पास आ गया। इसके बाद वो टॉप टू बॉटम डाउन एक अप्रोच होती है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमें जो है इस स्टेटमेंट को ही ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का, ताकि ये वाला अगर आप आइट्रेशन यूज कर रहे हो, इस वाले केस को यूज कर रहे हो, तो इसके बाद इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर आ जाए मेन प्रोग्राम में, ओके। उसके बाद ये इन सारी लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरह से यहां पर भी हम यूज कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को, यहां पर भी अगर हम यूज कर लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम अगर कोड को रन करेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आते हैं। इंटर एक वन नंबर, सो वन, आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी पहली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, जो कि है केस वन के लिए ये। इसके बाद हमने ब्रेक का यूज किया, ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, अपनी जो आइट्रेशन जो फॉलो हो रही थी उसे जो है इसने तोड़ करके हमें प्रोग्राम से बाहर कर दिया, या फिर आप कह सकते हो उस आइट्रेशन से बाहर कर दिया जिसके अंदर ये सारी चीजें चल रही थी। इसी तरह से हम डिफॉल्ट वैल्यू के लिए कुछ प्रिंट करते हैं, हमने देखा था अगर हम 11 पुट करते हैं तो आ रहा है कि 11 इज ग्रेटर देन 10, जो कि अपनी सेकंड केस थी। सेकंड केस में हमने ये डाला था कि अगर केस में जो n की वैल्यू है अगर वो 11 होती है तो इस लाइन को प्रिंट करेगा। इसी तरह से हम अगर 1, 11 और 18 के अलावा कोई भी चीज को प्रिंट करते हैं या नंबर डालते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू में एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डालूं 100 तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100 के लिए वो हेलो वर्ल्ड पे चला गया, जो कि अपने डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमने 100 केस को कोई इंक्लूड ही नहीं किया, तो इसीलिए उसने इनमें से किसी भी आइट्रेशन को प्रिंट नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर दिया कि अगर इन तीनों के अलावा आपका कोई भी इनपुट आता है तो वो इनपुट आपका बाय डिफॉल्ट वैल्यू में चला जाएगा। इसके बाद डिफॉल्ट के बाद जो भी स्टेटमेंट, डिफॉल्ट के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसको ये आउटपुट में प्रिंट कर देगा, ओके। सो ये रहा अपना कंडीशनल स्टेटमेंट, आप किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट का जो है वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और इसके बाद जो है हम लूप्स के बारे में बात करेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और उसका यूज जो है हम किस तरह से C++ प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।